जम्मू कश्मीर में फिर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यहाँ के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकी हमले के बाद बस पलटकर गहरी खाई में जा गिरी। इस आतंकी हमले में 3 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत हो गई और 32 अन्य लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बस शिवखोड़ी मंदिर के पास रानसू से जम्मू के कटरा शहर जा रही थी। जम्मू कश्मीर के नंबर वाली इस बस में कई तीर्थयात्री सवार थे। आतंकी हमले के बाद रियासी में भारतीय सेना ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। वन क्षेत्र में तलाशी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुए आतंकवादी हमले को कायराना कृत्य बताते हुए कहा कि देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट पर लिखा है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुए आतंकवादी हमले से मैं व्यथित हूँ। यह कायराना कृत्य मानवता के विरुद्ध अपराध है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले के बाद हालात का जायजा लिया। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कई सवाल उठाए। आपको बता दें कि रविवार को जम्मू कश्मीर को रियासी में शिवखोड़ी गुफा से दर्शन कर लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हमला कर दिया। इस हमले में 10 श्रद्धालुओं की जान चली गई। अब जानकारी आ रही है कि गृह मंत्रालय ने इस आतंकी हमले की जाँच NIA को सौंप दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कम्प्लीट किया जा चुका है। 9 आर फियर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमिजिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। मैम कहाँ से थे ये लोग, कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये श्रद्धालु है कहा जा रहा है, ये लोकल्स नहीं है। अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे मे बी बिलोंग टू यूपी। मैम कुछ इनपुट्स थी क्या इस एरिया में, क्योंकि देखा गया है कि रजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, OGW पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए ऑलरेडी हम देखते आए हैं, जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज़ और बाकी VDGs के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया। NIA ने SP लेवल के अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच कर जांच करेंगे। खबर ये भी है कि बस पर हमला करने वाले आतंकी पहाड़ी इलाकों में छिपे हुए हैं। ये आतंकी ग्रुप पिछले एक महीने में राजौरी और पुंछ में कई हमले कर चुके हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि हमले में 2 से 3 आतंकी शामिल थे।